हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी वो डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी। आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आप फेमिनाइन हैं तो डीएफ एनर्जी आप ही हो, और अगर आप डिवाइन मैस्कुलाइन हैं तो डीएफ मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन आप ही हो, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है। आप इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट ज़बरदस्ती नहीं करिएगा। अगर रेजोनेट हो तो ठीक है, अदरवाइज ये किसी और के लिए हो सकती है। और सारी मेरी रीडिंग जनरल रीडिंग होती हैं। आपके साथ जब भी आपके सामने आए आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मैं ये डीएफ एनर्जी निकाल रही हूँ। आपकी डीएफ की एनर्जी इस वक्त क्या है? डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें कि डीएफ एनर्जी इस वक्त क्या है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी इस वक्त क्या है। डिवाइन फेमिनाइन, सेवन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड डेथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको ऐसा लगे डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन ये आपकी एनर्जी, तो आप लोग रोल स्विच कर लिएगा। मैं सेकंड डेक से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी निकालूंगी, ठीक है? डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त डिफेंसिव मूड पे हैं। इस वक्त वो कुछ भी आसानी से अपनी लाइफ में आने नहीं दे रही। इतनी डीएफ को इतना आसानी से वो अपनी लाइफ में इंटर नहीं करने दे रही। सारे इमोशंस और सारी उनकी जितनी काइंडनेस थी सब होल्ड करके बैठी हुई हैं। इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रही हैं, और अपने पेंटिकल्स पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान उनका इस वक्त ज़्यादा है, ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन पे। वो इस वक्त अपने कैरियर पे वर्क कर रही हैं। इमोशंस हैं उनके अंदर अभी भी, लेकिन वो इस इमोशंस को शो नहीं कर रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उन्होंने इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन से मुंह मोड़ा हुआ है। वो अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। दी वर्ल्ड, आप लोग वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकती हैं, डिवाइन फेमिनाइन, और ये एनर्जी एक्सचेंज भी हो सकती है। आप लोग स्विच कर लीजिएगा। ऐसा ना हो मैं ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की बता रही हूँ। ये एनर्जीज होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर फेमिनाइन ही एनर्जी होगी, मैस्कुलाइन भी हो सकती है। तो आप लोग खुद इसको अपने हिसाब से रेजोनेट करें। इस वक्त जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं हमारी, वो इस वक्त डिफेंसिव मूड पे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को अभी ना कोई अपने इमोशंस शो कर रही है, ना अपने काइंडनेस शो कर रही है, ना कोई अपनी लव, उनको कोई ऐसा जेस्टर दे रही है, लव किसी भी तरीके से उनको शो नहीं कर रही। वो अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रही हैं। वो अपने इस वक्त कैरियर पे वर्क कर रही हैं, सेल्फ वर्क कर रही हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो इस वक्त सिर्फ अपने लिए सोच रही हैं, ना कि किसी और के लिए। अगर वो उनकी पार्टी में कोई और डिवाइन मैस्कुलाइन के अलावा भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इस वक्त
उन्होंने उन सब चीज़ों से भी कट ऑफ किया हुआ है। वो इस वक्त अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाह रही हैं। दी वर्ल्ड एक साइकिल एंड होके न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। दी सन एट ऑफ पेंटिकल अपनी लाइफ में वो इस वक्त वर्क कर रही हैं, ना कि उनका किसी चीज़ पे ध्यान है। उन्होंने मैस्कुलाइन की तरफ से एक मुंह मोड़ लिया है, छोड़ा नहीं है उनको, उनको ना छोड़ा है ना कोल्ड में वो छोड़ के गई है, ना उनका इरादा है जैसे उनको बैक स्टेप करने का, कोई ऐसा इरादा नहीं है उनका। वो अपनी लाइफ में इस वक्त सेल्फ फोकस हुई हुई है, अपने साथ न्यू बिगनिंग कर रही हैं, अपने लिए कुछ न्यू क्रिएट कर रही हैं। पहले जैसे रनर और चेजर का गेम था, फेमिनाइन चेस कर रही थी, तो ये किसी चेजर की एनर्जी है। किसी ने पास्ट में ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, इस वाली एनर्जी ने पास्ट में किसी को बहुत ज़्यादा चेस किया है, बहुत ज़्यादा कोई किसी के लिए रोया है, बहुत ज़्यादा किसी ने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किया है किसी के लिए। ये वो एनर्जी है जिसने बहुत ज़्यादा वेट किया है, वेटिंग मोड पे रहा है कोई, ये जिसकी एनर्जी ये डिवाइन फेमिनाइन की पढ़ रही हूँ या मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की देख रही हूँ, ये जो एनर्जीज मेरे सामने आई हैं, ये एनर्जीज ऐसी हैं जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन मूड में, एक टावर मूड में रही हैं, जिन्होंने पास में बहुत ज़्यादा वेट किया है अपने मैस्कुलाइन का, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा उनको मैसेजेस किए हैं, कॉल्स किए हैं, चेजिंग की है, चेस किया है बस इस फेमिनाइन ने। लेकिन अब इस वक्त उनका कोई मूड नहीं है चेस करने का मैस्कुलाइन को, वो अपने ऊपर फोकस हैं, सेल्फ फोकस हैं, अपने कैरियर पर फोकस हैं, अपनी फैमिली है तो उस पर फोकस हैं। उन्होंने होता है तो हो, नहीं होता है तो नहीं हो, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो वो कर सकती थी या जो वो दे सकते थे इस रिलेशनशिप को, उन्होंने वो सब दे दिया। अब इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती या कर सकते। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है इतना टाइम इन्वेस्ट करने से ज़्यादा, इतना मनी इन्वेस्ट करने से बेहतर ये सब कुछ अपनी फैमिली और अपने लिए किया जाए, ख़ास तौर पर अपने लिए किया जाए। अब ये जो एनर्जी मेरे पास आई है, सेल्फ फोकस एनर्जी है। अब ये एनर्जी, ये फेमिनाइन नहीं सोच रही कुछ बनता है बने, नहीं बनता नहीं बने। सेल्फ वर्क किया है इतना टाइम में, जो आप लोग को एक पास्ट हर्ट मिले हैं, आपको एक, आप लोगों को एक जो चेस करके जो आप लोगों को समझ में आया वो ये है कि अपने ऊपर काम करना चाहिए, सेल्फ वर्क करना चाहिए, अपनी ग्रोथ करनी चाहिए। जितना आपने मैस्कुलाइन की एनर्जी को बूस्ट करना था आपने कर दिया, जितना आपने उसको फीड कराना था आपने करा दिया उस एनर्जी को, कुछ आपको फ़ायदा नहीं मिला, कुछ आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखा, क्योंकि वो अब तक इसी उसमें है, अभी तक उसी एनर्जी में कि आपकी एनर्जीज आए और फिर वो आपको एक लो वाइब्रेशन में छोड़कर आपसे मूव ऑन कर जाएं, फिर वो आपको कुछ थोड़े से ब्रेड क्रम्स दें और फिर अपनी लाइफ में फिर बिजी हो जाए अपनी लाइफ में। लेकिन अब जो फेमिनाइन की एनर्जी है वो अपने ऊपर वर्क करने की, सेल्फ वर्क कर रही हैं फेमिनाइन। अभी इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ उनका कोई भी जेस्चर नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी एक साइलेंट मूड पे है ये रिलेशनशिप। पहले स्टक था, अब साइलेंट है। एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया था कि मैस्कुलाइन कोई मूव नहीं ले रहे, मैस्कुलाइन कोई एक इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन अब ये है कि फेमिनाइन अब इस चीज़ का वेट नहीं कर रही, सेल्फ फोकस हो चुकी है। होता है तो हो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो, ये फेमिनाइन एनर्जी है। अब मैं चेक करूँगी मैस्कुलाइन एनर्जी, इसी रीडिंग में चेक करूंगी मैस्कुलाइन की एनर्जी क्या है आपके लिए सेकंड डेक से। अगर आपको ऐसा लगे जो मैंने फेमिनाइन की एनर्जी रीड की है ये आपकी एनर्जी है, तो आप रोल को स्विच कर लिएगा अपने तरीके से, तो
मैंने ये अभी फेमिनाइन की एनर्जी निकाली थी, अब मैं मैस्कुलाइन एनर्जी रीड करने जा रही हूँ। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड डिवाइन मैस्कुलाइन की इस वक्त एनर्जीज क्या हैं फेमिनाइन के लिए, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। डिवाइन फेमिनाइन की तो एनर्जी देख ली, वो इस वक्त सेल्फ फोकस है, अपनी लाइफ में ध्यान दे रही हैं, उनको अब चेज नहीं करना किसी को, वो चेज कर करके थक गई हैं, वो पास्ट वो हर्ट हो के थक गई हैं, वो हीलिंग मूड पे हैं, अपने आप को हील कर रही हैं मैस्कुलाइन। तो अब मैं चेक करूँगी कि मैस्कुलाइन क्या फील कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइएगा डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग्स क्या हैं फेमिनाइन के लिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो डिवाइन फेमिनाइन को देख इस बिहेवियर में देखकर वो क्या कोई एक्शन लें, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन को देखा नहीं है। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इल्यूजन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, स्लीपलेस नाइट है उनकी, रात रात भर जाग रहे हैं इस वक्त। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज क्या हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। लास्ट शफल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त वेटिंग पोजिशन में है, क्रॉस रोड पे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए, वो क्रॉस रोड पे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो चुके हैं वो, जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया वो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुके हैं, उनको खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा अब चीज़ें सॉल्व कैसे होंगी, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। उन्होंने पास्ट में स्टक रह के इन सब चीज़ों को एंड कर दिया, बिल्कुल वो इस सिचुएशन को लेके किसी सॉल्यूशन की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप सिक्स ऑफ सोर्स एंड द एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्स, उनको पता है पास में ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, वो इस वक्त वेटिंग पोजिशन में है, वो वेट कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका टेक्स्ट आना चाहिए उनको, वो कंफ्यूज हैं वो क्या करें। अब जो सब कुछ हुआ है वो बर्डन हो चुका है उनकी तरह, उनके लिए एक बर्डन की तरह बन चुका है वो। एक कोई ना कोई आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरीके से वो ऑफ़र दें, वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं। पास्ट में उन्होंने जो आपको रिजेक्शन दी, पास्ट में जो उन्होंने आपको हर्ट किया, पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया, मिसबिहेव किया, कुछ भी किया, अब उनको लग रहा है ये सब कुछ उन्होंने अपनी ईगो के लिए किया, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया, लेकिन अब उनका ये सब कुछ एक प्रॉब्लम बन चुका है। उन्होंने पास्ट में स्टक रहे, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, वो ले सकते थे अगर वो चाहते कोई डिसीजन लेना, लेकिन ले सकते तो उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। अब वो स्लीपलेस नाइट अपनी, उनको नहीं समझ में आ रहा, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे, वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में,
टेन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ एक कंप्लीट होल फैमिली चाहते हैं। इन बर्डन्स को एक अपनी तरफ से दूर करके वो इसको इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस वक्त लग रहा है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप, मैंने अभी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज चेक करी तो आप इतना बिजी हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है अब आपके पास, जैसे पास्ट में आप उनके पीछे पीछे थे, आप उनको मैसेजेस करते थे, कॉल करते थे, उनसे उनसे बात करने की कोशिश करते थे, या उनके लिए पीछे उनको चेस करते थे, अब आप वो चेजिंग एनर्जीज उनको नहीं मिल रही। तो इस वक्त अब वो सोच रहे हैं कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब जो पास्ट में आप चाह रहे थे, अब वो सब चीज़ें चाह रहे हैं, लेकिन वो उन सब चीज़ों को कैसे मूव करें जो अब उनको नहीं समझ में आ रहा। वो रिग्रेट में है, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, वो अभी भी यही चाह रहे हैं कोई कोई ऑफ़र आप दे दें, कोई कोई बात आप शुरू कर लें। वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं इस वक्त, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पास्ट की मिस्टेक्स को कैसे उनको जस्टिफाई क्लेरिफाई करें आपके लिए। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो एक मूव लेना चाहते हैं आपकी तरफ। उनकी ख्वाहिश है कोई एक मूव लिया जाए, वो मैरिज मटेरियल आपको देखते हैं, वो शादी करना चाहते हैं, वो फैमिली पर्सन आपको देखते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो इस रिलेशनशिप को एक काम वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं, कि पास्ट के सारे वूंड्स, पास्ट के सारे हर्ट, वो उन सब चीज़ों से निकल कर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें। ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आपके और आपके पार्टनर के बीच, आप लोगों का ये इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का रिलेशनशिप एक साथ आप लोग मिले हों, या आपके पार्टनर दूसरी कंट्री में रहते हों, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप लोगों का मिलना आसानी से नहीं होता। वो सोच रहे हैं कि इन सब डिस्टेंस को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब इनको ये डर है, ये डिस्टेंस उनके लिए, उनकी नज़रों में आप समझ, अब उनको ये लग रहा है कि पहले चलो मैं नहीं करता था, उसको तो थी, वो तो करती थी ना, अब आपने जो एक्शन लेना छोड़ा है, आपने जो एक मूवमेंट उनकी तरफ एक छोड़ी है, एक कोई भी मूवमेंट लेना छोड़ा है, जो अब उनको उस चीज़ का, उनको अब वो चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक लग रही है। वो सोच रहे हैं, रात रात भर सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि उनकी वैल्यू चेंज हो गई आपकी लाइफ में, उनका जो एक आपके लिए एक पोजेसिव था, एक आप एक दीवाने से एक पागल सा बिहेव करते थे उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, या तो वो आपको जवाब दे दें उस लिए, अब आपकी, अब आपको उस एनर्जी में देखते नहीं हैं वो। अब उनकी हालत ख़राब है, पास्ट में रोल रिवर्स हो गए हैं, टेबल्स टर्न हो गई हैं। जो आप फील कर रहे थे पास्ट में, अब वो बर्डन्स जो उन्होंने किया वो सब उनके लिए बर्डन बन चुका है। अब वो उस बर्डन की वजह से कोई मूव नहीं ले पा रहे आपकी तरफ। वो मूव लेना चाहते हैं, लेकिन पास्ट की वो गलतियों को कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके सामने। उनको इस वक्त लग रहा है आपकी लाइफ में एक लव अफेयर्स के लिए ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपकी लाइफ में आपने प्रायोरिटीज चेंज कर ली हैं अपनी, आपकी फैमिली बन गई है, आपका कैरियर बन गया है, आपकी लाइफ में उनको लग रहा है बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप अब उनको नहीं, उनको ध्यान दे रहे हैं। मैं देखती हूँ कि आप, ये मैस्कुलाइन आपके लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए कोई मूव लेंगे, आई थिंक लेंगे। दो एसेस आए, एस ऑफ वैंड्स और एस ऑफ सोर्स। वो एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो अब पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, वो अब पैशनेट हो रहे हैं, वो अब इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ईगो में डिवाइन मैस्कुलाइन ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, आपने जैसे ही अपने ऊपर वर्क करके अपनी लाइफ में अपने कैरियर पे अपने सेल्फ फोकस किया आपने, जैसे ही अब मैस्कुलाइन को फिक्र हो रही है, क्योंकि आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे उनसे एनर्जी लेने का। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अब आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि अब उनका खुद से मुंह नहीं है आपकी तरफ मूव करने का। अब उनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसा क्या करें कि वो आपकी तरफ मूव करें।
क्योंकि आप सेल्फ फोकस हो गए हैं, अब उनको डर भी लग रहा है, अब आप सुनेंगे नहीं उनकी, वो आपको सोलमेट समझते हैं। ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट आपका रिलेशनशिप हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन, या तो आप लोग पास्ट, मैंने अभी भी कहा था, वो एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल एक साइकिल को ख़त्म करके एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। 10 of Cups, बिंगो, डेथ, पास्ट साइकिल एंड कर एक न्यू साइकिल की बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपके साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, एक मैरिज लेवल पे इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर लेके जाना चाहते हैं। वो 6 days में आपको कोई ना कोई मैसेज कर सकते हैं, एक दिन में कोई ना कोई मैसेज कर सकते हैं, या तो उनको 6 weeks लग सकते हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप को शादी के लिए ले करना चाहते हैं, वो जस्टिस लाना चाहते हैं, वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, वो सारे पास्ट के माइंडसेट पे अपने टावर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचा, वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचो विचार है, वो प्लानिंग कर रहे हैं सब चीज़ों को, कैसे आपको कैसे वो जस्टिस दिया जाए। वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, फैमिली मेंबर्स की तरह देखते हैं, वो आपको शादी मटेरियल देखते हैं, और वो इन सब चीज़ों में पास्ट की जितने भी आपके हर्ट्स हैं, वो चाहते हैं आप भी और वो भी पास्ट की चीज़ों को एंड करके एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। अब आपके लिए एक ये भी पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है इस पार्टनर के साथ अगर आपकी साइकिल ख़त्म हो रही है तो कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी, ये मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन का एक्शन निकाला है, तो उनका वो एक्शन आपकी तरफ ज़रूर लेंगे, ठीक है। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।